राजधानी दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आप नेत्री आतिशी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन उनकी धमकियों से आप नेता डरने वाले नहीं है। आप नेत्री आतिशी ने कहा कि मोदी सरकार से कहना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से नहीं डरते हैं। मोदी सरकार हर एजेंसी का इस्तेमाल आप नेताओं को परेशान करने के लिए करती है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करे, लेकिन आज तक बीजेपी आपके खिलाफ एक भी गलती नहीं ढूंढ पाई। ये इनकम टैक्स नोटिस भी उन्होंने पढ़े लिखे युवाओं को डराने धमकाने के लिए भेजा है। इनकम टैक्स का नोटिस है, ये भी उसी में अगली कड़ी है जहां पे भाजपा को लगता है कि वो जो पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं, जो प्रोफेशनल लोग राजनीति में आते हैं, उनको इन नोटिसेस के माध्यम से डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और चुप करा सकते हैं। मैं भाजपा की केंद्र सरकार को कहना चाहूंगी कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे सौरभ हैं, चाहे हमारे पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो अलग अलग फील्ड से अपनी नौकरियां छोड़ के राजनीति में आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि हम देश की राजनीति बदलना चाहते हैं और भाजपा की इन खोखली धमकियों से हम डरते नहीं हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप नेत्री आतिशी को इनकम टैक्स नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद आप नेत्री ने बीजेपी को खुला चैलेंज किया है और कहा कि वे तो सभी दस्तावेज दिखा देंगे, वे डरने वाली नहीं है।